हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي إيمان والو अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक इजाज़त न ले लो और उनके रहने वालों पर सलाम न कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ध्यान करो। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने एक अहम उसूल अता फरमाया कि जब कोई बंदा किसी पराए के घर में जाए तो घर में जाने का तरीका क्या है। उसका कानून ये है कि चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, चाहे बीना हो या नाबीना हो, किसी के भी मकान में जब जाए, चाहे वो मालिक मकान का रिहायशी हो या किराए का मकान हो या आरियत के तौर पे लिया हो, जब जाए तो अचानक घर के अंदर दाखिल ना हो, बल्कि पहले घर वालों से इजाज़त तलब करे, जब इजाज़त मिल जाए उसके बाद में मकान के अंदर दाखिल हो। बग़ैर इजाज़त मकान के अंदर दाखला ये शरी एतबार से जायज़ नहीं है। अहादीस तैयबा में इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगु है। ये हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि अबू मूसा अशरी हमारे पास आए और ये कहा कि हज़रत उमर ने मुझे बुलाया था, मैंने उनके दरवाज़े पर जाकर 3 बार सलाम किया, जब जवाब नहीं मिला तो मैं वापस चला आया। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते तुम क्यों नहीं आए, तो मैंने कहा कि मैं आया था और दरवाज़े पर 3 बार सलाम किया, जब जवाब नहीं मिला तब जाकर के मैं वापस हो गया हूँ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया है जब कोई शख्स 3 बार इजाज़त मांगे जवाब न मिले तो वापस हो जाना चाहिए। तो ये इस्लाम ने दस्तूर अता फरमाया कि इजाज़त तलब करने पर अगर अंदर से इजाज़त न मिले तो अब बग़ैर इजाज़त के घर में बंदा दाखिल ना हो बल्कि वहीं से जो है वापस पलट आए। और ये कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ में मकान में गया, हज़रत अबू हुरैरा का बयान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को प्याले में दूध मिला, फरमाया कि अबू हुरैरा असाबे सुफा के पास जाओ, उन्हें बुला लाओ। मैं उन्हें बुला लाया, वो आए और आने के बाद में उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमा दी तब जा करके असाबे सुफ़ा आपके मकान के अंदर दाखिल हुए। तो ये सहाबा इकराम का तरीका था कि बग़ैर इजाज़त के मकान में दाखिल होना वो गवारा नहीं करते थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स बुलाया जाए और उसी बुलाने वाले के साथ ही आए तो अब ये बुलाना ही इजाज़त है। यानी कोई बुलाने आया आपको, वो साथ में आप उसके जा रहे हैं तो अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो बुलाने खुद ही आ गया तो ये आपको अंदर आने की इजाज़त है। ये हुक्म उस वक्त है जबकि फौरन उसके साथ में आ गया और मालूम है कि वो साहिब खाना मेरा इंतज़ार कर रहा है मकान, लेकिन मकान में जब पर्दा हो जाए और देर हो जाए तो अब लगेगा कि अंदर जो है वो डायरेक्ट जाना ठीक नहीं है, तो अब इजाज़त लेकर के अंदर जाना होगा। और अंदर जाने का तरीका इस्लाम ने ये बताया। सफवान बिन उमैया कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास भेजा था इन्होंने कलदा ने, तो मैं बग़ैर सलाम किए बग़ैर इजाज़त के अंदर चला गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाहर जाओ और बाहर जाके कहो अस्सलामु अलैकुम, मैं अंदर आ जाऊँ उसके बाद में अंदर आओ। यानी आ गए तो बाहर भेजा और वापस कहा कि अब सलाम करके अंदर दाखिल हो। ये इस्लाम का तरीका। इस सिलसिले में
जो मसाइल शरिया हैं उनमें तफसील से बताया गया कि बंदा किस तरीके से मकान में दाखिल हो। जब कोई शख्स किसी दूसरे के मकान पर जाए तो पहले अंदर आने की इजाज़त हासिल करे, और जब अंदर जाए तो पहले सलाम करे, उसके बाद में बातचीत करे। यानी तीन ये मरहले हो गए, पहले इजाज़त, फिर सलाम, फिर बात। ये तरतीब बरकरार रखना ज़रूरी है। और जिसके पास गया वो बाहर ही है, पहले से खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है, तो अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, सलाम करे, बात करना शुरू कर दे। और किसी के दरवाजे पे जाकर के आवाज़ दी, उसने पूछा कौन, तो जवाब में ये ना कहे कि मैं, कुछ लोग कह देते मैं का कोई मतलब नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको नापसंद फरमाते थे। उस जवाब के अंदर ये कहे कि मैं फलां हूँ, अपना नाम लेकर के बताए कि मैं फलां हूँ, ताकि अंदर वाला समझ जाए और आपको इजाज़त दे दे। और अगर किसी ने इजाज़त मांगी, घर वाले ने इजाज़त न दी, तो इससे नाराज़ ना हो, दिल के अंदर कुदूरत न लाए, खुशी खुशी वापस चला जाए। हो सकता है इस वक्त मिलने की जो फुर्सत ना हो, या किसी ऐसे काम के अंदर लगा हो कि वो मुलाकात अभी नहीं कर सकता है, लिहाजा वापस चला आए। अगर ऐसे मकान में जाना है कि उसमें कोई भी नहीं रहता है, तो फिर वहाँ पे जाके ये कहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर रिश्ते उसके सलाम का जवाब देंगे। या यूँ कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रूह पाक मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ फरमा होती है। और आने वाले ने सलाम नहीं किया, बातचीत शुरू कर दी, तो इसको इख्तियार है कि उसकी बात का जवाब न दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने सलाम से कबल कलाम किया उसकी बात का जवाब मत दो। और आने के वक्त भी सलाम करे, और जब वापस जाए तब भी जो है वो सलाम करे, यहाँ तक के दोनों जा रहे हैं, रास्ते में दीवार आ गई, दरख्त आ गया, तो दीवार और दरख्त जब हट जाए तो फिर दोबारा सलाम करे। ये इस्लाम ने जो है वो हमें तालीम अता फरमाई। और इस सिलसिले में जो इस्लामी उसूल हैं, इससे ये पता चलता है कि जब दरवाज़े पे आओ तो पहले जो है बिल्कुल दरवाज़े के सामने खड़े ना हो बंदा। अब उस ज़माने में, जैसा कि ये हदीस पाक के अंदर भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि जब आप किसी के दरवाज़े पे तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े के सामने खड़े नहीं होते थे, बल्कि दाएं तरफ या बाएं तरफ हट करके खड़े होते थे और फरमाते अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। उसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे नहीं होते थे, अगर डायरेक्ट चला जाए कोई तो अंदर जो है उसके ऊपर नज़र पड़ जाएगी, तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं हट करके खड़े हुआ करते थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो किसी के घर में बग़ैर इजाज़त लिए झांके और उन्होंने इसकी आँख फोड़ दी, तो न दियत है न क़िसास है, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि गलती इसकी है, इसने बग़ैर इजाज़त लिए हुए क्यों झांका। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया कि मकान के अंदर अगर झुर्रियाँ हैं, थोड़े थोड़े सुराख हैं, उन सुराखों से अंदर झांकना ये भी जायज़ नहीं है। कुछ लोगों का तरीका होता है कि दरार से झांकना शुरू कर देते हैं, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो एक उसूल। दूसरा उसूल ये, आजकल जैसे घंटी बजाने का सिस्टम है, पहले दरवाज़ा खटखटाते थे, आजकल घंटी बजा देते हैं, तो अगर घंटी बजाए या दरवाज़ा खटखटाए तो इस बात का ख्याल रखे कि बहुत बुलंद आवाज़ से ना करे, ताकि घर वालों को तकलीफ़ ना हो, और दाएं बाएं हट जाए ताकि वो दरवाज़ा खोले, तो अगर कोई गैर महरम अगर दरवाज़ा खोलने के लिए आए तो उसके ऊपर नज़र न पड़े। और इजाज़त देने वाला अच्छे अंदाज में दरमियानी तर्ज पर घंटी बजाए और या दरवाज़ा खटखटाए, तेज़ी न दिखाए। और ऐसा भी नहीं कि बराबर जो है वो घंटी बजाता ही चला जाए। कुछ लोगों का तरीका होता है कि दरवाज़ा नहीं खुला तो बस घंटी बजाते चले जाएंगे, ये तरीका पसंदीदा नहीं है। ये तो खैर मकान में दाखिल होने की बात है। आजकल लोग फ़ोन करते हैं ना, एक मरतबा जब किसी ने फ़ोन किया नहीं उठाया, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, और उसके बाद में वो लाइन लगा देते हैं। अगर बंदा अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी तो पूरी नमाज ही ख़राब कर देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपने जब घंटी बजा दी, चाहे वो दरवाज़े की घंटी बजाई हो या मोबाइल की घंटी, जब वो नहीं रिसीव हुआ या दरवाज़ा नहीं खोला गया तो इंतज़ार करना चाहिए, जो है वो इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला दिक्कत के अंदर पड़ जाए। और दरवाज़े पर खड़े होकर के चीख चीख करके घर वालों को पुकारना भी नहीं चाहिए, आहिस्ता से बुलाए
और अच्छे अखलाक व आदाब से घर वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। उसके बाद में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिदु फ़िया अहदं फ़ला तदखुलू हत्ता युज़न लकुम, फिर अगर उनमें किसी को न पाओ जब भी बे मालिकों की इजाज़त के उनमें न जाओ, यानी जब तक वो इजाज़त न दें तब तक किसी पराए के मकान में ऐसे भी नहीं घुसना चाहिए। وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस जाओ तो वापस चले जाओ, हुआ अज़्का लकुम, ये तुम्हारे लिए सुतरा है। यानी अगर सामने वाले ने कह दिया कि अभी मैं मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, चले जाइए आप, तो चले जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मुलाकात से मना किया है या दरवाज़ा नहीं खोला, कोई वजह होगी उसकी, तो किसी वजह से हो सकता उसने ऐसा किया हो, तो बिला वजह नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ये इस्लाम ने घर के अंदर दाखिल होने का कितना अच्छा उसूल बताया। हज़रत इमरान बिन हसीन रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, बयान करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम के हुक्म के नाजुल होने से पहले हम लोग मुलाकात और इजाज़त के लिए तीन जुमले बोला करते थे। कभी कहते थे अनामा सबाहन, कभी कहते थे कि हैया तुम सबाअन, या हैया तुम मसाअन, या अन अमल्लाओ बेका आए, ये सब कलिमात हम लोग बोलते थे और ये कहते ही घर में दाखिल हो जाते थे, इजाज़त मिले या न मिले। लेकिन जब इस्लाम का हुक्म आया तो फिर हमने इस अच्छे तरीके को जो है वो अपनाया और इस्लाम के इस बेहतर तरीके के ऊपर हम लोग अमल करने लगे। एक शख्स ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो उससे इजाज़त लूँ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा कि मैं तो माँ के साथ में उसी मकान में रहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाज़त लेकर के उसके पास जाओ। उन्होंने कहा कि मैं उनकी खिदमत करता हूँ, बार बार आना जाना होता है, फिर इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाज़त लेकर के जाओ, क्या तुम ये पसंद करते हो कि उसे बरहना देखो? अर्ज़ की नहीं, फरमाया तो इजाज़त लेकर के जाओ। यानी माँ ही है घर में, बहन ही है, मान लिया कि आपका कोई एकदम करीबी रिश्तेदार है, लेकिन आपको तो पता नहीं कि अंदर वो किस हालत में है, हो सकता है कपड़ा चेंज कर रहे हो या किसी और हालत में हो, आप बग़ैर इजाज़त के अंदर चले गए तो आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस होगा, उनके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस होगा। इस्लाम ने जो ये उसूल बताया, बंदा अगर इस उसूल के ऊपर अमल करे तो घरों का जो माहौल है बड़ा पाकीज़ा और बड़ा सुथरा हो जाए। लेकिन आम तौर पर लोग जो है वो इन आदाब का ख्याल नहीं रखते और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैस अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फीहा मताउल लकुम, इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जो ख़ास किसी की सुकूनत के नहीं और उनके बरतने का तुम्हें इख्तियार है। वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। ये जो आयत करीमा, इसमें बयान किया गया कि ऐसे मकानात जहाँ तुम्हें जाने का इख्तियार है, अंदर कोई नहीं है, तो बग़ैर इजाज़त के जा सकते हो। हुआ ये था कि जब पर्दे की आयतें उतरी तो मुसलमानों के घरों में दाखिल होने के लिए इजाज़त लेने की पाबंदी का कानून बताया गया, तो कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हम सफ़र में होते हैं, होटल में जाते हैं, मुसाफिर खाने में ठहरते हैं, कमरा वगैरह किराए पे ले लेते हैं, तो वहाँ पे सामान रखे होते हैं, हम बार बाज़ारों का चक्कर लगाते हैं और फिर शहर में जाते हैं, तो क्या हम वापस मुसाफिर खाने या होटल में दाखिल हों तो बार बार इजाज़त दे करके जाएँ? तो इस सवाल पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई और फरमाया कि जब तुम्हारा सामान रखा है, तुम्हारा कमरा है, अंदर कोई नहीं है, तो अब तुम्हें इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बग़ैर इजाज़त के भी उस मकान के अंदर दाखिल हो सकते हो। तो इन आयतों में बता दिया गया कि सफ़र की हालत में बंदा जब होटल वगैरह या ऐसी जगहों में रहता है तो उसे बग़ैर इजाज़त जाना जायज़ है। इस्लाम ने जो ये उसूल बयान फरमाया कि इजाज़त लेकर के जाओ, साथ में भी बताया कि जब जाओ तो सलाम करो। तो अच्छा, ये सलाम के हवाले से ये रिवायत बुखारी शरीफ की है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी सूरत पर पैदा किया, उनका कद 60 हाथ का था। जब पैदा किया तो फरमाया इन फरिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो तुम्हें सलाम का क्या जवाब देते हैं, वो जो कुछ भी तहियत करें वही तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की तहियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गए फरिश्तों के पास में, कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने जवाब दिया अस्सलामु अलैका व रहमतुल्ला,
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब में फरिश्तों ने वरहमतुल्लाह ज़्यादा किया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और 60 हाथ लंबा होगा। यानी मफहूम इस हदीस का मतलब बताने का ये है कि ये जो सलाम का तरीका है ये हमें फरिश्तों के ज़रिए मिला है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये सलाम का सिलसिला जारी हुआ। और मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपनी हज़रत अनस से, ए बेटे जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो, तुम पर तुम्हारे घर वालों पर उसकी बरकत होगी। तो इस्लाम ने ये सलाम का तरीका, ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये सब तरीके इस्लाम के तरीके नहीं, इस्लाम ने तो बड़ा अच्छा तरीका दिया। हज़रत इमरान कहते हैं एक शख्स अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, कहा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और बैठ गया। इरशाद फरमाया इसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया वो बैठ गया, फरमाया इसके लिए 20 नेकियां हैं। तीसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको भी जवाब दिया वो भी बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। हज़रत मुआज़ बिन अनस कहते हैं फिर एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसके लिए 40 नेकियां हैं। यानी जैसे जैसे काम ज़्यादा होता गया वैसे वैसे सवाब भी बढ़ता गया। तो ये सलाम का बड़ा प्यारा इस्लामी तरीका है। आज तो सलाम जो है वो बड़ा मफ़कूद होता चला जा रहा है, और सलाम के जो तरीके, एक महफिल के अंदर मैंने पूरे मसाइल बयान किए थे, कौन किसको सलाम करेगा, कैसे सलाम करेगा, कैसे जवाब दिया जाएगा। जैसे एक शख्स बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ से गुज़रा तो गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे, छोटा जो है वो बड़े को सलाम करे, कोई सवार है कोई पैदल है तो जो सवारी पर है वो पैदल वाले को सलाम करे, और एक तरफ थोड़े हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा लोग हैं तो थोड़े लोग ज़्यादा को सलाम करे, एक शख्स पीछे से आया एक आगे चल रहा है तो आगे वाले को ये बाद में जो पीछे से आया है वो आकर के सलाम करेगा। जब अपने घर में जाएं तो घर वालों को सलाम करें, बच्चों के सामने से गुजरे तो बच्चों को भी सलाम करें, और काफिर मिल जाए तो उसको सलाम ना करें। अगर वो सलाम कर दें तो जवाब भी ना दें, मजबूरी हो तो खाली क्या कह दें जो है वो अलैकुम कह दें, और अगर अस्सलामु अलैकुम तुमको कहना है उसके साथ कोई मुसलमान भी है तो उसको सलाम करें, नियत करें मुसलमान को सलाम करने की, काफिर को सलाम करने की नियत ना करें, जो उसके साथ में मुसलमान है उसको सलाम करें। एक बहुत ज़रूरी मसला मैंने बार बार बताया और ये हादसा मेरे साथ रोज़ होता है, मैं कितनी मरतबा ये मसला बता चुका लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो इसे इस पर अमल करने के लिए आमादा नहीं। जो शख्स मस्जिद में आया और मस्जिद में कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है या नमाज के इंतज़ार में है, तो हुक्म यही है कि सलाम ना करे, ये सलाम का वक्त नहीं है। तो अब कोई तिलावत में मशगूल है या पढ़ाने में मशगूल है या दर्स दे रहा है, सबक पढ़ रहा है, उसको सलाम ना किया जाए। लेकिन मैं रोज़ाना कुरान पाक पढ़ता हूँ, जो भी आएगा इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम, यानी ये रोज़ाना का मामूल है, रोज़ कोई ना कोई तो आके तिलावत के दौरान सलाम करता ही है, हालांकि ऐसे वक्त में सलाम नहीं करना चाहिए। और कुछ तो इतने ज़्यादा बादब होते हैं कि इस्तिंजा करके बाहर निकलो तो वह इस्तिंजा खाने में खड़े रहते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, हालांकि वो सलाम की जगह वो मुनासिब भी नहीं है, वो बू की जगह है, वहाँ पर सलाम अल्लाह का नाम है, ये मुतबर्रक कलिमात न कहे जाएँ। इसी तरह अज़ान, इकामत, खुतबा जुमा, खुतबा ईदेन के वक्त भी सलाम न करें। सब लोग अगर इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं या एक शख्स बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं तो उस वक्त भी सलाम नहीं करना चाहिए। जैसे आलिम वाज कह रहा है या दीनी मसला बता रहा है तब भी सलाम नहीं करना चाहिए, जो आए आ करके चुपके से बैठ जाए। जो शख्स जिक्र में मशगूल है उसके पास कोई आया तो सलाम ना करे, इसी तरह वो जिक्र कर रहा है उसको जवाब देना वाजिब भी नहीं है। बहुत सारे लोग सलाम करते मैं जवाब नहीं देता हूँ तो वो दिल में सोचते हैं हमने सलाम किया इमाम साहब ने जवाब नहीं दिया, हालांकि मसला उनको मालूम नहीं है, गलती उनकी है, लेकिन वो समझते हैं कि गलत इमाम साहब ने किया है। भाई सलाम का जवाब इस वक्त देना वाजिब ही नहीं है, ये मसला आपको याद होता तो एक तो आपने गलत तरीके से सलाम किया और दूसरा जवाब न मिलने पर ये समझा कि हम ही लोग जानते हैं इमाम साहब गलत कर रहे हैं, हालांकि गलत वो खुद कर रहे हैं। तो ये मसला याद रखा जाए। बाकी जो सलाम के मसाइल हैं मैंने इससे पहले तफसील से बयान कर दिए। तो इस्लाम ने इन कुरान ने इस आयत करीमा के अंदर बड़े उम्दा आदाब को बयान किए, बंदा अगर उन पर अमल करे तो ज़िंदगियों के अंदर निखार आ जाए।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم العالمين شريعت مطهرة پہ عمل کی توفیق عطا فرما قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پرنور فرما دے ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله